फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश जारी होने के बाद सीबीआई की टीम मुंबई पहुंच गई है। सीबीआई की 15 सदस्यीय टीम गुरुवार शाम यानी आज मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच गई है। एयरपोर्ट से ये टीम मीडिया के कैमरे में कैद हो गई। ये टीम अब केस से जुड़े सबूत इकट्ठा करेगी, साथ ही मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ भी करेगी। इसके अलावा सीबीआई की टीम सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट कर मामले की जांच भी करेगी। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच करने पहुंची सीबीआई की टीम को मुंबई में बीएमसी क्वारंटीन से छूट देगी। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई टीम अगले 10 दिन तक मुंबई में ही रुककर जांच करेगी। मुंबई पहुंचे सीबीआई की टीम ने बिहार पुलिस के साथ हुए दुर्व्यवहार को देखते हुए खुद ही अपने लिए इंतजाम कर लिए हैं। एयरपोर्ट से सीबीआई की टीम अपनी ही गाड़ियों से अपने ठिकाने पर पहुंच गई है। मुंबई पहुंची टीम कल सुशांत के घर पहुंचकर क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी, साथ ही सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से भी मुलाकात करेगी। बता दें, जांच के लिए एक नोडल ऑफिसर की भी नियुक्ति की गई है। ये नोडल ऑफिसर मुंबई के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे को नियुक्त किया गया है। अभिषेक त्रिमुखे ही अब तक इस केस को देखरेख कर रहे थे। वहीं अब अभिषेक त्रिमुखे सीबीआई और मुंबई पुलिस के बीच नोडल ऑफिसर का काम करेंगे। इसके अलावा जांच के लिए पहुंची सीबीआई की टीम बांद्रा पुलिस स्टेशन से मामले के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने हाथ में लेगी।